हाय एवरीवन, आई एम शाहीन अनीफ और आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और करंट एनर्जी में आप लोग आगे क्या करते हुए दिखाई दे रहे हो. ओके, सो देखते हैं आपकी पहले आपकी खुद की करंट एनर्जी. पहले मैं आपके लेटर भी देख लेती हूँ आपके नेम के, लेकिन आपके पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं. ओके, ओके, ओके. सो मुझे लगता है आपके फैमिली में से कोई रिश्ता वगैरह आया है और आप इनको ये बोलना चाहते हो कि भाई तुम्हें करना क्या है, मेरी फैमिली में जो रिश्ता आया मैं करूँ तो क्या करूँ. हो सकता है आपके गिफ्ट वगैरह आप इनको देख के इनको बहुत मिस कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस नहीं, जैसे आपकी आपके पास परेशानी है, आप झेल रहे हो और अभी आप थक चुके हो. ठीक है, आप इनसे मिलके ये सारी बातें बताना चाहते हो और कहीं ना कहीं होप है कि ये बातें सुन के कहीं ना कहीं आपको हाँ बोल दे या कुछ भी व्हाटएवर, कि अभी मुझे इसको आपको मुझे कुछ भी करके आपको मुझे है ना एक्शन तो लेना ही पड़ेगा. आपकी कहीं ना कहीं ये एनर्जी हो सकती है. कुछ लोग के घर में किसी का प्रेगनेंसी वगैरह भी हो सकता है, किसी का न्यूज़ सुना हो एंड ऑल, हो सकता ये भी है. और काफ़ी हद तक आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ये बंदा वापस आएगा या नहीं, या परमानेंटली ये किस्सा खत्म हो चुका है. कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये आ चुकी है कि आपको ये लगता है कि रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं या व्हाटएवर जो भी किया है सब कुछ बस नहीं है. ठीक है, तो आपके यही आपकी सबसे बड़ी एनर्जी है. आपको ये लगता है कि नहीं हो सकता है, आप हिम्मत हार रहे हो इन शॉर्ट. ओके, तो मैं आपके लेटर देख लेती हूँ, आपके नेम के फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम के लेटर एंड सरनेम के लेटर. M, E और X, S, A, R, G और Z. ओके, बहुत सारे आ गए हैं मेरे पास. U, W, Y, K, N, V, L एंड डी. गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश वगैरह का थोड़ा सा मौसम है और मौसम की वजह से लाइट का भी थोड़ा सा इश्यू रहता है, तो मेरे वीडियो में थोड़ा सा इग्नोर करिएगा इस बात को. ओके, तो हम देखते हैं कि आपके क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में. क्या आप लोगों का मीटिंग है या फिर क्या है? देखते हैं कार्ड्स, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ. ठीक है, ओके. सो आपके कार्ड में सबसे मास्टर कार्ड ही ये है. अभी आप मुझे बोलोगे ये दो कार्ड से कैसे एक्सप्लेन कर रही है, तो मैं आपको एकदम क्लियर और कट बता दूं कि आएंगे आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन हाई लेवल का है. अभी आप बोलोगे कि मुझे फिजिकल तो हम लोग हुए नहीं है, तो आपसे बातचीत करना इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. कुछ लोग फिजिकली टॉक करते हैं तो इनको ये सारी चीज़ें हो सकती है. आप लोग फिजिकल होने वाले हो तो या बिल्कुल फिजिकल होने ही वाले हो आप लोग, ये रियलिटी है. बट एक ट्विस्ट है इस रीडिंग के अंदर. ट्विस्ट ये है कि ये बंदा अक्सर आता है, अक्सर आके फिजिकल होना और ये अपने काम में बिजी ऐसे हो गए हो जाते हैं कि पता ही नहीं है कि आप लोगों का कोई बातचीत हुआ है. ठीक है, और ये बार भी आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और ये टाटा बाय बाय करके अपने फैमिली के काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो ये चीज़ों से बिल्कुल ध्यान रखना है. अभी आप मुझे बोलोगे कि फिर इसका क्या मतलब. एक्चुअली प्रॉब्लम से ये होता है कि जब भी इनका आना जाना होता है तब आप इन पे इतना डिपेंड हो जाते हो कि इनके बिना आपको उनके आपकी ज़िंदगी में कुछ और दिखता ही नहीं है. तो आपको क्या है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है. अभी आप मुझे बोलोगे सेल्फ लव की ज़रूरत क्या होता है, इनर वर्क की ज़रूरत क्या होती है.
क्योंकि एक्चुअली आप लोग इना वर्क तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनका यूनियन है, ये आपसे पास से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली वो आपसे बातचीत करने, ये जो होता है ना, तो एक दो दिन अच्छा चलता होगा, फिर तीसरे दिन तो वो गायब ही हो जाते होंगे। तो ये अक्सर आपके साथ आना जाना लगा रहता है और ये सही सच में नहीं लगता है मुझे। आने वाले वक्त में आपका सच में रीयूनियन बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप लोग अच्छे खासे पल बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम है जब भी ये बंदा आता है तो आप इन पे इतना डिपेंड हो जाते हो कि इसके अलावा कुछ और दुनिया में दिखता ही नहीं है। अभी आप बोलोगे तो क्या करे, प्यार करते हैं, प्यार तो करना ही। तो ये है, ठीक है। अभी इस चीज को आप कैसे हील करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचो कि इनर वर्क करो। इनर वर्क आपको अभी भी आपके अंदर, मुझे लगता है आपके चक्रास हील सही से नहीं हुए हैं। तो आपको अभी बोलोगे कि मैं 4-5 आवर्स तक मैं बैठ नहीं सकती या बैठ नहीं सकता, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई कर दी, मैं बहुत थक चुका हूँ। ये चीज़ें आपके साथ अक्सर होती होगी, बट आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है, फर्स्ट इनर वर्क करो, ठीक है। इनर वर्क एंड सेल्फ लव करो। यहाँ पे सेल्फ लव ही दिखाया जा रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? अब ये बात है, सेल्फ लव का मतलब पहले आप ये सोचो, हु यू आर इन अ वर्क, तुम कौन हो? इनके मिलने से पहले आप अपने आप पे ध्यान देते थे, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे मेडिटेशन करना छोड़ दे, नहीं, मेडिटेशन भी करो, बिल्कुल करो, ठीक है। अभी आप लोग कर क्या रहे हो पता है? अभी ये कर रहे हो आप कि ये जो चीज़ें कर रहे हो ना, ठीक है, ये इनके लिए करो, इनको पाने के लिए कर रहे हो। अभी यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल तो दे रही है, ओके। अभी आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी वॉट एवर, जो भी स्पेल ट्राई कर रहे हो सकता है आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। आप अपने खूबसूरती पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट किसके लिए? इनके लिए। तो इसीलिए आपका जो काम है, आपको तरफ जो रियली में आना चाहिए, ठीक है, जो जो खुशी आपके पास आना चाहिए, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो आपको अभी अभी इससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, इस इंसान से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अभी अगली बार ये आपके पास आते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इनसे बातचीत बिल्कुल करना। आप इनसे मूव ऑन नहीं हो सकते हो तो मूव ऑन होने की फालतू की जीतें छोड़ दो, ये जीत करना छोड़ दो कि मैं इनसे मूव ऑन हो जाऊँगी। मूव ऑन हो ही नहीं सकते हो, आप लोगों को डिटैच होना है। मौन होना और डिटेच होना आसमान जमीन का फर्क है। अभी डिटेच होने के लिए आपको अपने इनर वर्क और शैडो वर्क पे करने की जरूरत है। अभी इनर वर्क ये होता है कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने लिए करो, ना कि इस बंदे को पाने के लिए करो। अपनी खूबसूरती, फर्स्ट यू आर, आप होंगे तो उससे शादी होगी ना, आप नहीं होंगे तो क्या करोगे? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हु यू आर, पहले आप तो वो, पहले अट्रैक्ट इसीलिए हुए थे क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, पहले अट्रैक्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि तुम्हारा अचीवमेंट बहुत अच्छा था। एक सोल अपनी खुद की मिरर सोल को कैसे एक्टिव होता है? जब अट्रैक्ट करते हैं, जब हम अपने आप का इनर वर्क सही से कर रहे होते, किस मतलब बिंदास आपका पास्ट में जो लवर था या कोई अट्रैक्शन था या फिजिकली भी आप लोग किसी से कनेक्ट हुए थे, आप उसमें से निकल चुके होंगे उस वक्त, ये इसके बाद ही इनकी एंट्री हुई होगी, या एंट्री भी उस वक्त भी थी, तब भी आप बहुत ही खुश रिलेशनशिप में ही थे, बहुत ज़्यादा कहीं दुखी आत्मा वाले नहीं थे, तो उसी से वो अट्रैक्ट हुए। लेकिन आप इनकी वजह से आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो दुखी चीज़ों में कि हो सकता है कि आपकी जो खुशी और जो चेहरा, ठीक है, वो पूरी तरह से खत्म होते हुए दिखाई दे रहे। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, फिर आप कितना भी मेडिटेशन कर दो, मेडिटेशन अकेला इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इनर वर्क का मतलब ये होता है, फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड एक्सरसाइज योगा, ठीक है, थर्ड अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को सैडनेस से बाहर निकालो, सैड सॉन्ग सैड चीज़ों से बाहर निकालो, हंसना सीखो, अपने लिए जीना सीखो, बाहर जाओ, नहीं तो घर के अंदर अपने अपने हेडफोन को लगा के खूबसूरत से जो आपकी आत्मा को खूबसूरती दे, अपनी आत्मा को खुशी वाले पल को महसूस कर पा वो करो, परफ्यूम लगाओ, आसपास रूम स्प्रे लगाओ, आपके सोल को खुश करो। इसको बोलते हैं इनर वर्क। खूबसूरती लाओ अपने अंदर, जो आपका ऑरा इतना खूबसूरत होना चाहिए कि कोई भी देख के ऐसा हो, इसको बोलते हैं इनर वर्क। इनर वर्क अपनी लाइफ के अंदर से शैडो वर्क को निकालो, जो पास्ट में जो चीज़ें वो आपको अगली बार मिलते थे आपको ट्रिगर करने के लिए कोई भी एक भी पॉइंट्स नहीं मिलना चाहिए, ऊपर से आप इनको ट्रिगर करके भेजो, वो आपके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए। जो आप मेरे वीडियोस देखते हो और अक्सर आपको मैं पॉजिटिव थॉट्स देती हूँ, आपको पॉजिटिव माइंड में रखती हूँ, तो आपको वो पॉजिटिविटी को फॉलो करनी है, ठीक है।
आप तभी अपने इनर, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको आप निकाल के दोगे और फेंक दोगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में यही काम आएगा। आप रोगे, सो स्पेल ट्राई करोगे, मैं ब्लैक मैजिक कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये पूजा कर लूँ, ये मैं मन्नतें कर दूँ, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप इस रिलेशनशिप में कभी भी पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये बंदा आएगा जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी आप यही वीडियोज़ मेरे देखते होंगे। आपको अपने अंदर, आपको ये सोचना है कि मैं खूबसूरत हूँ। अभी एक बात है, ठीक है, एक लड़का हो या लड़की हो, अपने आप को रेगुलर बोलो, नहीं मैं खूबसूरत हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। तो सिंपल सी बात है, कोई आपकी तारीफ करने नहीं। पहले तो आपके दिमाग से ये निकालो कि इस बंदे को रिग्रेट होगा क्या, इस बंदे को प्रॉब्लम होगा क्या, इस बंदे को मेरा वैल्यू पता चलेगा। अरे खुद की तो वैल्यू कर लो, उसके बाद ये बंदा आपकी वैल्यू करेगा। पहले वक्त में जब तो आपको ये मिले थे, आपको एज अ फ्रेंड भी मिले होंगे, तो वैल्यू क्यों की थी? क्योंकि आपने अपनी खुद की वैल्यू की थी। इनको रिग्रेट कब होगा कि तुम्हें टच की गुस्सा किया है, ये प्रॉब्लम हुआ है, आपको टच करने के बाद ये चले गए। कब रिग्रेट होगा? तब जब आप ये थॉट्स भूल जाओगे कि इस बंदे को रिग्रेट कब होगा। नहीं होगा, तब तक तो नहीं होगा, ये सोचना छोड़ दो। यूनिवर्स चाहेगी तब हो जाएगा। अभी आप ये बोलो कि मेरे सेल्फ वर्क से, सेल्फ वर्क से इनको क्या प्रॉब्लम, इनको क्या होगा? अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब हम लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, तो क्या होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक टाइप के प्लानिटरी भी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये होता है कि हम लोग इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, ओके। तो डिपेंड होने का मतलब क्या, हम लोग इनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी फेंकते हैं। अभी एक चीज़ है कि हम जब माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा किसी के लिए सोचते हैं, तो क्या होता है, मेरे से शादी हो जाए, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये बंदा किसी और के साथ होगा, मेरी प्रेयर सही में काम नहीं करेगी, क्या होगा, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा या किसी और के साथ है यार, ये किसी और से, ये मैसेज ऑनलाइन है। मैं इंसान हूँ, आई अंडरस्टैंड कि मैं भी ये चीज़ें देखती हूँगी, ठीक है। मैं कितने क्लाइंट को, मैंने आई थिंक सो आज तक मैंने बहुत क्लाइंट मैंने देखे हुए, मैंने मैंने इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ इन लोगों को कि इन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है, और आई आई नो दैट इंसान है, हर एक इंसान जिसे प्यार करते हैं हम ये चीज़ें नोटिस करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें पहले आपको टॉर्चर कर रही है ना, वो चीज़ें पहले खत्म कर दो। जैसे कि ऑनलाइन आपको जो एप्लीकेशन दिख रही है, तो पहले वो चीज़ों को खत्म करो। जैसे कि ज़्यादातर ट्रू कॉलर एंड ऑल, आप उस चीज़ के नोटिफिकेशन जो आता है ऑनलाइन दिखने वाला, उस फंक्शन को ही ऑफ कर दो। ट्रू कॉलर डिलीट मत करो, लेकिन आप उसको ऑनलाइन देखना बंद कर दो, ठीक है। जिससे आपको ये बंद होगा, ये बंदा किसी, आपने ये कभी सोचा है कि क्या वो किसी और लड़की से ही प्यार करता होगा, क्या वो किसी और से ही बातचीत करता होगा? नहीं ना, वो किसी और के काम से भी बातचीत कर सकता है, हो सकता है इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो, ये आपने सोचने की कोशिश ही नहीं किया। अभी होता ये है कि हम जब नेगेटिविटी थॉट्स हम डालते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि धुएं वाला बॉक्स के अंदर इंसान को आप खड़ा रख दो, इंसान भी नहीं दिखेगा। आपने इतना ब्लैकनेस भर दिया एक फैक्ट्री के आसपास, एक बॉक्स के अंदर से वो धुआं निकलता है, आपने देखा कितना गंदगी होती है फैक्ट्री के आसपास के जो केमिकल वगैरह बनते हैं। तो आप ये सोचो कि वो धुएं के अंदर आप इंसान को खड़ा रख दोगे, तो क्या आपकी जो पॉजिटिव पॉजिटिविटी है, क्या वो आप तक उनके तक पहुंच पाएगी? नहीं। इसलिए बोला जाता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेल्फ लव करो, अपने अंदर अपने आप को ग्रो करो, अपने अपने वर्क पे ध्यान दो, जिससे क्या होगा, आप नेगेटिविटी से बच जाओगे और इनकी तरफ जो थॉट्स आते हैं, अभी प्रेयर करो और छोड़ दो, बस उस पर भरोसा रखो। आप अपने वर्ड पर ही भरोसा नहीं रख पाते कि मेरी पूजा प्रेयर में काम करेगी या नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें करना छोड़ दो और इनर वर्क करना स्टार्ट करो, अपने अंदर को खुश रखना स्टार्ट करो। सॉल्ट बात लो, अपने अंदर परफ्यूम लगाओ, अपने ग्रूम को दो, अपने लुक चेंज करो, फिर देखो कैसे कमाल के वह काम होते। आपने लास्ट टाइम अपने ऊपर केयर कब किया था, आपको खुद को भी याद नहीं होगा। आपने अपने आप को आईने में कब देखा होगा सही ढंग से? अभी बोलोगे रोज देखती हूँ, लेकिन आप सही ढंग से आप क्या हो, आपका बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपको खुद को ध्यान नहीं होगा। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो डिप्रेशन के आपको ये जब मिलेंगे, आप डिप्रेशन वाला चेहरा इनके सामने, पिंपल्स वाला, या अपने ग्रूम बिना की चीज़ें आप इनके सामने लेके जाओगे, तो क्या आपके सामने इस तरह से वो आपके सामने आएंगे, तो आप क्या उनको पसंद करोगे? नहीं ना। यहाँ पे यही होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको ये बचने की जरूरत है। ये बंदा वापस चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आपको अभी संभलने की जरूरत है। इस बंदे से आपको इतना, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के जाओ इनके सामने कि इनके पास एक 1% भी चांस नहीं होना चाहिए कि आपको ट्रिगर करे।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का रियूनियन है, बिल्कुल है, ठीक है, 110% आप लोगों की बातचीत। ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आएगा और चला भी जाएगा। और क्यों? तो क्योंकि आप अपने आप का इनर वर्क नहीं कर रहे, अपने आप के सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत ओवर भी अच्छी बात नहीं है, और करना ना करो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हर चीज़ एक लिमिट में खाओ तो ज़्यादा बेटर है। ओवर खाने से, जो है ना, ओवर शुगर खाने से डायबिटीज़ होता है, तो हर चीज़ को एक लिमिटेड करो। आप जितना जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करो। आपको लगता है कि इससे मुझे तकलीफ हो रही है, तो मेडिटेशन करने का अंदाज बदलो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। तो हाँ, ये बंदे के आने का बहुत ही जल्दी है, इनके कॉल मैसेज बहुत ही जल्दी है, और बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन है, लेकिन थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ही गलती से ही वापस भी जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। क्लिक एंड क्लेम इसलिए नहीं कि इनके आने की खुशी में, इसलिए कि मैं अपने आप पे इनर वर्क, अपने आप पे सेल्फ वर्क करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, वो ज़्यादा जरूरी। अपने में अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करूंगा, अपने आप को इनके लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।